मार 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 और मार और मार, बहुत बढ़िया मारो। सो वसो मेरी YouTube की फैमिली, हाउ यू गाइस डूइंग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मुसाफिर इज बैक अगेन। सो एक बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो थी जो कि आप लोग मेरे से चाहते थे कि मैं जरूर करूं, वो था आपके पार्किंग सेंसर्स और पार्किंग कैमरे के बारे में, यानी कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसी होती है, कहां से परचेज कर सकते हैं, कैसा और किस प्राइस में हम लोगों को मिलने वाला है। सो मेरे पास अभी एक किट है जो आप लोग देख सकते हैं, ये बेसिकली पूरी सेंसर्स की किट है विद जो आपका बॉक्स होता है वो इसके अंदर मिलेगा। इसी के साथ साथ में रियर व्यूइंग कैमरा भी आप लोगों के लिए है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर TFT स्क्रीन, यानी कि आपके रियर व्यूइंग जो मिरर है उसके अंदर ये लग जाएगा। सो आज मैं इसकी पूरी इंस्टॉलेशन आप लोगों को करके दिखाऊंगा। गाड़ी के रिवर्स में मैं कैमरेज नहीं लगा रहा हूँ। जी हाँ, ये कुछ आज मुसाफिर डिफरेंट ट्राई करने वाला है। जो मेरी गाड़ी के फ्रंट सेंसर्स है, बेसिकली जो फ्रंट होगा उसमें मैं सेंसर्स लगाऊंगा, कैसा रिस्पॉन्स देता है, इसमें थोड़े से ऑल्ट्रेशन मैं करूंगा, और कैसे करूंगा क्या करूंगा वो आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो ये सब चीज़ें लगते हुए, इंस्टॉलेशन होते हुए और ये सब कुछ होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जिस जिस भाई के पास इलाइट i20 है और वो वीडियो चलाना चाहता है अपनी गाड़ी के अंदर, बेसिकली जो सिस्टम आता है एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो वाला, और उसके अंदर वीडियो चलाना चाहता है गाड़ी चलाते हुए, तो उसका भी मेरे पास आज एक फिक्स है। तो वीडियो को ज्यादा खींचते नहीं है और सीधे चलते हैं इंस्टॉलेशन और कैसे सब कुछ होने वाला है। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को कपलर दिखा देता हूँ। जो कपलर है बेसिकली वो ऐसा है, इसमें क्रेटा लिखा हुआ होगा, लेकिन ये आपकी जो भी जितनी आप ह्यूंडई की ऐसी गाड़ियां देखते हैं जिसमें आपको योला सिस्टम लगा हुआ मिलता है उसमें आप ये लगा सकते हैं। सो ये कपलर टू कपलर चेंज होना है, कोई भी इसमें वायर नहीं कटने वाली है। सो अभी मैंने पूरी गाड़ी बंद कर देता हूँ, मैंने चाबी निकाल दी है। सो भैया इसका दिखा दो कैसे ये कनेक्ट होता है पूरा। ये कपलर इसमें लगेगा, इस कपलर के अंदर ये जाएगा, ठीक है सर, और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली, और ये आपका सिस्टम के अंदर जाएगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर चलेगा कपलर, ठीक है सर। ये हो गया हमारा पूरा परफेक्टली फिट, और इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है करने का। इसके बाद हम लगाते हैं अपनी चाबी, ये चालू है। और आपको बता देता हूँ, इसमें आप YouTube के थ्रू नहीं चला सकते हैं, एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू स्टिल आप लोग चला सकते हैं, लेकिन उसमें वीडियो आपको नहीं दिखेगी। सो मैंने नीचे पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसा आपका सिस्टम पहले चलता था बिल्कुल सेम आपका सिस्टम वैसे ही चलेगा अभी भी। सो अभी इसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, ओके एग्री कर देते हैं इसमें। सो अब हमने जाना है अपना मीडिया में। सो इसमें ऑलरेडी वीडियो चल रही है। सो आप लोगों को जब आप मूव करेंगे, सो मैं इसका एक जरूर आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो आपको रात के मोड में दिखाऊंगा जब मैं रात को ड्राइव कर रहा हूँ कैसा दिखता है। सो आप लोग देख सकते हैं जब इसकी पूरी मूवमेंट होगी तब ये चलेगा। इसी के साथ साथ में आप गाने की आवाज भी सुनाए थे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, सुन लीजिए। सो आज के जो हमारे इलेक्ट्रिशियन है वो है गुलाब सिंह जी, और हमारी गाड़ी में आगे सेंसर लगा रहे हैं। सर कैमरा तो लग नहीं पाएगा आगे, तो कैमरा तो नहीं लगाएंगे हम लोग। सो आपको एक छोटी सी डिवाइस दिख जाएगी जो पूरी दिखेगी। इसी के मीनवाइल में इन्होंने जो काम किया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो जो बटन का ऑप्शन था जो कि आपने क्रेटा में ऑलरेडी देखा होगा जो फॉग लाइट के लिए फिट होता है, तो यहाँ पर इन्होंने एक बटन इंस्टॉल कर दिया है, यानी कि जो फ्रंट के मेरे सेंसर्स है वो तभी काम करेंगे जब मैं इसमें प्रेस कर दूंगा ओके रिपोर्ट, और इसमें वायरिंग होगी जो कि एक वायर ली जाएगी बैटरी से, और उसके बाद देन वी आर रेडी टू गो। सो देखते हैं कैसा पूरा ये चीज़ होगा, आप लोगों को पूरा एक ब्रीफ इसके बारे में ज़रूर दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो भैया ने जो यहाँ पर अपना ग्लोब बॉक्स है उसको निकाल दिया है, तो ग्लोब बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। सो भैया अभी हम कौन सी तारें खींच रहे हैं? ये यूनिट की तारें हैं, डिस्प्ले वाला, ठीक है, इस डिस्प्ले की ये तारें। तो भैया जो वो बक्सी या फिर वो छोटा सा जो बॉक्स होता है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ, उसको बाहर की तरफ रखेंगे। तो अगर बारिश का पानी लगता है उसके ऊपर? बारिश का ऐसी जगह लगाएंगे पानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पानी नहीं जाएगा, तो देखते हैं भैया कैसे उसको अंदर लगाएंगे। सो यहाँ पर पूरा वायरिंग चल रहा है, और आप लोगों को बताया तो भैया ये आपने जो बैटरी से है वो पावर ले लिया, जो बैटरी से अभी लेना है? अभी लेना है वो लिया नहीं है। सो मैं जो करवा रहा हूँ वो ये करवा रहा हूँ कि इग्निशन के साथ, यानी कि जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ सो उसके साथ ही ऑन हो जाएगा। अगर इस बटन को आप ऑन करेंगे सो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करने लग जाएगा। आप लोग चाहे तो इसको किसी और तरीके से भी करवा सकते हैं, लेकिन इसको मैं जो हूँ इग्निशन के साथ फिट करा रहा हूँ। इग्निशन के साथ साथ में ऑन और ऑफ ये स्टिल इससे होगा। सो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद ये जो वायर है पूरी यहाँ से खींच चुकी है, जो आप वाइट कलर की वायर देख रहे हो, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारा बम्पर है ये पूरा भैया ने ओपन कर लिया। इसके बाद इसके अंदर जो है सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि
कहीं कहीं पर रखे हुए भैया ने अभी संभाल के, उसके बाद वो सेंसर्स लगाए जाएंगे और जो इनका होल्ड करने का तरीका होता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। उसका एक पूरा परफेक्ट चीज़ आती है, जब आप इस किट को खरीदेंगे तो उसके अंदर वो किट आती है, उससे आप परफेक्टली उसमें होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे वो रहेगा और कैसा वो करने में आपको दिखता है। आपको बोलते क्या है जो आगे इसका होता है? सुराख करने का बर्मा होता है, बर्मा होता है ये। तो देख सकते हैं आप इसमें भैया करेंगे तो भैया करके दिखाओ। बिल्कुल हल्का हल्का कर रहे हैं भैया, तो गाइस देख लीजिए परफेक्ट बिल्कुल गोल बन चुका है, ना तो साइज में कुछ डिफरेंस लगा है। अब इसके बाद भैया इसमें सेंसर भी आपको डाल के दिखाएंगे। सो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सेंसर है एंड हियर यू गो। सो भैया ने इधर डाल दिया सेंसर, और आप लोग एक चीज जरूर इसमें देखिएगा, ये परफेक्टली बिल्कुल इसके अंदर फिट हुआ है, ना ही थोड़ा बाहर निकल रहा है ना ही थोड़ा अंदर जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर है। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही इसमें प्लेसमेंट की जाएगी। आप जब भी प्लेसमेंट करा रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फ्रंट के उससे हमेशा सोचते हैं तो एक ये पोजीशन अच्छी है, एक पोजीशन आप यहाँ पर करा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे की तरफ भी करा सकते हैं। लेट्स सी कि मैं कहाँ पर कराता हूँ, ये बिल्कुल एक परफेक्ट पोजीशन है। सो एक चीज़ इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी मेज़रमेंट। तो भैया इसकी मेज़रमेंट लेंगे, आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे अभी परफेक्टली इसकी मेजरमेंट लेंगे इसको खोलने के बाद। भैया इसमें हम लोग कितनी अभी सीध लेंगे जो रस्सी से आपने नापा है? यहाँ से 4 इंची की है, देख सकते हैं आप लोग 4 इंची की है, ऊपर नीचे बराबर नाप लिया। देख लीजिए पूरा ऊपर से भी नाप रहे हैं, साइड से भी नाप रहे हैं, और इसके बाद सेम प्लेसमेंट इसकी यहाँ पर की जाएगी और ऊपर से भैया ने देख लिया। तो इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल पक्की है, अब भैया इसमें भी ड्रिल करेंगे और इसको लगाएंगे। सो जो मेरे बम्पर के पीछे थर्माकोल था उसमें एक भैया ने बीच में कट मारा हुआ है, आप लोगों को पूरा परफेक्टली ये चीज़ दिखा देता हूँ। सो इसमें से भैया ने वायर निकाली है और उस तरफ पीस जो है वो कट चुका है, यहीं पर एक और पीस काटा जाएगा और उसके बाद सेंसर निकलेगा। सो बेसिकली जो पूरा हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं वो फ्रंट साइड में है, फ्रंट साइड में 4 सेंसर लग रहे हैं। सो इस साइड में सेंसर लग चुका है, इस साइड में भी लगेगा। सो इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भैया ने सेंसर लगा दिया, जो कि अभी परफेक्टली जब फिट हो जाएगा तब आप लोगों को दिखने वाला है। ओके गाइस, तो पूरे जो सेंसर्स है वो लग चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक सेंसर यहाँ पर लगवाया है, एक सेंसर यहाँ पर लगवाया है, एक की प्लेसमेंट यहाँ पर करिए और एक की प्लेसमेंट यहाँ पर करिए। अगर आप लोग साइड से भी, यानी कि अपने फ्रंट बम्पर को साइड से भी आप लोग इसमें सेंसर लगवाना चाहते हैं, सो यू हैव द ऑप्शन कि आप लोग यहाँ पर सेंसर लगवा सके। सो ये पूरे भैया ने देख सकते हैं आप लोग कैसे बनाया हुआ है, इसको पूरा नाप के भैया ने लगाया है जिससे बिल्कुल परफेक्ट दोनों जगह दिखे। आप लोग देख सकते हैं इसकी प्लेसमेंट परफेक्टली की गई है, स्टिल अगर आप लोग चाहे तो अपने आप कर सकते हैं। भैया इसके बाद जो वायरिंग है वो कैसे आप लोग इधर निकालेंगे, एक बार मेरे को दिखा दो जो वायरें निकली है। सो आप लोग देख सकते हैं ये सारी वायरें, ये भैया बॉक्स के अंदर जाने वाली है, ये इसमें यूनिट में जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सेंसर की यूनिट है। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वो सेंसर का यूनिट नहीं है जो कंपनी के साथ आया था, ये यूनिट मैंने चेंज किया है। आप लोगों को क्लोजर व्यू दिखा देता हूँ, उसमें आपको वीडियो का आउटपुट का भी ऑप्शन मिलता है। सो वो मैं नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि फ्रंट में यहाँ पर कहीं पर भी हमें ऑप्शन नहीं है वो चीज़ लगाने का। सो इसके जो बेसिकली सॉकेट्स है वो उसके अंदर ही फिट हो जाएंगे, जब ये फिट कर रहे होंगे तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो कंपनी से जो आपको मिलता है वो कुछ ऐसा दिखने में होता है। सो इसमें आपको वीडियो आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, सो ये आपको कंपनी से मिलता है। अगर आप लोग बैक कैमरा अपना लगवा रहे हो तो आपको वो आप लगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ में जो आपका बैक कैमरा है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये कुछ आपका बैक कैमरा ऐसा दिखने में होता है। इसी के साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं इसमें ड्यूल LED का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है और ईजिली इसको आप लोग प्लेस कर सकते हैं जब आप लोग अपने रियर बम्पर में इसको प्लेसमेंट कर रहे हैं। सो ईजिली इसकी प्लेसमेंट हो सकती है और इसी के साथ साथ में इसकी फिटिंग भी बहुत ईजी है। ओके गाइस, तो पूरा आप लोग देख सकते हैं इसमें काम खत्म हो चुका है, अभी आगे आप लोगों को भैया ऑन करके दिखाएंगे। इसी के साथ साथ में जो बॉक्स है वो भैया ने यहाँ पर हाइड किया है। इसी के साथ साथ में ये सारी की सारी वायरिंग जा रही है, जब भी आप लोग ये काम करवा रहे हैं तो परफेक्टली ये वायरिंग को बिल्कुल बंद करवाइए जिससे कुछ भी अगर छोटे से मोटा भी इशू हो तो वो आप लोगों को ना हो। सो भैया अब जो है अपनी ये डबल टेप है इसके थ्रू चिपकाएंगे, सो अब आप लोग देख लीजिए कैसे लगेगा। सो इसको हम नीचे की तरफ छुपा देंगे जिससे बाय चांस कभी बारिश के टाइम पे भी इसके ऊपर कुछ ना जाए। सो भैया क्या ये वाटरप्रूफ होता है वैसे? हाँ, ये वाटरप्रूफ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है। अच्छा, ये वाटरप्रूफ नहीं होता है। सो आप लोग देख सकते हैं जगह लगाया है हमने जहाँ की पानी की दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो भैया ने इसको परफेक्ट लगा दिया, इससे पानी अगर बाई चांस कभी चले भी जाए तो अंदर की तरफ ना जाए। ओके गाइस, तो इसके बाद सारी की सारी प्लेसमेंट जो आपने आगे की साइड में देखनी थी वो हो चुकी है। इसके बाद जो स्विच है, इसके बाद जो स्विच है उसमें सारी प्लेसमेंट कर रहे हैं भैया, आप लोग देख सकते हैं। सो वायरिंग को इसमें परफेक्टली लगाया जा रहा है, जो आपको मैं होल के बारे में बता रहा था। सो ये भैया ने उसी के उससे होल किया था और परफेक्ट इसी जो आपका स्विच है उसके अकॉर्डिंग कर रखा है। और इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अब हम लोग इसको सीधे स्टार्ट होते हुए देखेंगे और लेट्स सी कि कैसा रहता है। ओके गाइस, तो फाइनली मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाया था, बटन्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो इसके बाद मैंने जब ऑन किया
सो अभी आप लोग देख सकते हैं ये ऑन नहीं है, यहाँ से आपने सेंसर ऑन करना पड़ेगा। सो देयर यू गो। सो ये मैंने चेंज कर दिया बेसिकली, ये जो है जो मेरे को कंपनी ने भेजा था मैंने बोला नहीं लगाया, दूसरा है इस पर बेसिकली आवाज़ भी आती है, सेंसर की आवाज़ आप लोग क्या बोलते हैं पीपी में भी चेंज कर सकते हैं, इसके साथ साथ में बंद भी कर सकते हैं। और आप लोगों को दिखा देता हूँ आगे, बिल्कुल अभी 00 कैसे हो रखा है। सो ये चीज़ आप लोगों को बाहर उतर के दिखा देता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं ये, यानी कि इतनी दूरी में, यानी कि ये जो है ये इतने दूरी के सेंस इसने कर लिया है। सो आप लोग जब भी सेंसर्स लगवा रहे हैं सो इतनी जब पास में होता है ये, सो आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्टली जो है इतना सा इसमें स्पेसिंग बचा है, इसने स्टिल बता दिया क्योंकि इस और इस तरफ यहाँ बॉक्सेस पड़े, तो इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो एक जो काम था मेरे से, काफ़ी सारे मेरे लोग दोस्त पूछ रहे थे कि आप अपनी रूफ़ को ब्लैक कब कराओगे, सो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो सिल्वर करा लूँ या ब्लैक करा लूँ। तो हरप्रीत जी मेरे साथ है, करौल बाग में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सर एक बार चाहूँगा कि मेरे सारे व्यूअर्स को बताइए कि हमारे उसमें जो लेमिनेशन होने वाली है कौन सी लेमिनेशन में होने वाली है, अल्ट्रा हाई ग्लॉस। सो आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप कभी भी करौल बाग आ रहे हो, बेस्ट प्राइस, और इनका काम मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है सिविक में, अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को सिविक दिखाऊंगा। सो भैया कैसे पूरा काम करते हैं, कैसे सब चीज़ होगी, तो आप लोगों को बताऊंगा। सो मैं स्पॉइलर अपने ब्लैक नहीं करवा रहा हूं, केवल रूफ ब्लैक होगी, लेट्स सी कि सब कुछ कैसे होगा। देख लो क्लीनिंग से सब चीज़ स्टार्ट होगा, इसके बाद भैया इसके ऊपर पूरा आपको बिछा के भी दिखाएंगे जो चीज़ लगने वाली है। और मैं क्यों बार बार ही कह रहा हूँ कि बेस्ट काम है, क्योंकि जब आप लोग इसकी फिनिशिंग देखेंगे आप लोग खुद इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी, मैंने इनफैक्ट 3M में भी अपनी जो है मेरी फ्रेंड की पूरी रूफ़ उन्होंने किया था, लेकिन स्टिल मैं आपको क्वालिटी वाइज इस पर बताने वाला हूँ। या फिर आप 3M में जाके करा रहे हैं या आप हरप्रीत जी के पास आके करा रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस दिखने वाला है, प्लस जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। सो आप लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्लीनिंग का है। सो यहाँ पर जो आप लोगों ने मेरा एंटीना देखा होगा, सो उसको भैया ने अभी रिमूव किया है। सो उसको आप बेसिकली, वो डिटैचेबल होता है, उसको आप डिटैचेबल करके उसके बाद फिर से उसको लगा सकते हैं। सो अभी परफेक्टली इसको क्लीन किया जा रहा है, और जब ये परफेक्टली क्लीन हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर सब चीज़ें लगेगी, लेट्स सी कि सब कुछ कैसे जाता है। सो आप लोग देख सकते हो अब ये बेसिकली जो पूरा ये रैप है, ये अभी भैया इसको ओपन कर रहे हैं और इसके ऊपर पानी मारा जाता है। सो अब इसके ऊपर इसको पूरा परफेक्टली चढ़ाया जा रहा है, इसके बाद कैसा प्रोसेस होगा, सो इसमें ड्रायर बहुत बड़ा खेल खेलेगा जब आप लोग देखेंगे होते हुए। सो ये इसके ऊपर परफेक्टली डाल दिया गया है, लेट्स सी कि नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था ड्रायर का पूरा जो फ़ायदा है वो क्या होगा। जो अब एक्सेस है बेसिकली, जो पूरा कटिंग है भैया वो कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो गाइज आप लोगों को जो अभी ये थोड़ा सा डल सा लग रहा था, तो इसके ऊपर से ये पूरा ये फिल्म हटा दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा जो ग्लॉसी वाला चीज़ है इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। सो दोनों भैया अभी काम में लगे हुए, एक छोटा सा हमारा भाई है जो अभी इसमें हमारी हेल्प कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्टली जैसे हट जाता है, आप लोग अब डिफरेंस देख सकते हैं जो कलर है नीचे, ये कलर चेक कीजिए, पहले तो डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऊपर अब आप देख लीजिए रूफ पूरा बढ़िया वाला ब्लैक लग रहा है। लिटरली आप लोगों को इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा सरदार जी का। तो इसको पूरा फिक्स होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस सो रात का आप लोगों को मोड दिखा देता हूँ, अभी जो है ये परफेक्ट बिल्कुल वीडियो क्वालिटी इसमें आ रही है। आप लोगों को थोड़ी सी मूवमेंट करके दिखा देता हूँ गाड़ी की। सो जैसे ही आप थोड़ी सी गाड़ी को मूव करते आगे की साइड में, आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने मूव की क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली अभी पार्कड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पार्क कर रहा हूँ। ओके, और इसी के साथ साथ में सेंसर्स भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग जूम इन कर देता हूँ। सो अगर मैं आगे की साइड में करता हूँ देख सकते हैं आप लोग, सो ये दिखा रहा है चेंज होता हुआ। सो 0.4 दिखा रहा है, और आप लोग आगे देख सकते हैं परफेक्टली, एंड दिस सिस्टम लुक्स जस्ट अमेजिंग। अब जो है आप इसके अंदर गाड़ी चलाते हुए वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आई नेवर रिकमेंड कि आप लोग गाड़ी चलाते हुए कभी वीडियो देख लेंगे, स्टिल आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज अ फिक्स, सो मैंने आपको फाइनली फिक्स दे दिया। ओके गाइज, तो अब मैं आप लोगों को मॉर्निंग का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इस पर एक वीडियो चल रही है परमीश वर्मा की। सो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो है मेरी गाड़ी बिल्कुल स्टिल रुकी हुई है, अब इसको मैं चलाना स्टार्ट करता हूँ। सो हियर वी गो। सो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी अब चल रही है, मैं ज़्यादा तेज चलाते हुए आपको नहीं दिखाऊंगा, और आप देख सकते हैं चल रहा है। अगर ये नहीं चलता, सो बेसिकली अगर आपने कपलर नहीं लगाया होता तो इस पर लिखा हुआ जाता वीडियो कैन नॉट बी प्लेड वाइल मूविंग, और अब आप लोग देख सकते हैं मेरी स्पीड कितनी हो चुकी है, एंड स्टिल इट्स गोइंग परफेक्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं आगे गाड़ी है मेरे। सो सेंसर्स को आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए।
ठीक है ओके गाइस। सो ये बेसिकली 1.7 मीटर के जब पास होते हैं तब आपको ये दिखाना स्टार्ट करता है। सो आप लोग देख सकते हो, सो हम लोग बिल्कुल अब करीब आ चुके हैं इसके, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग परफेक्टली देख पाएंगे 0.8 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ देख सकते हैं 7, 6, 5 आ चुका है। ओके गाइस, सो इट्स टाइम फॉर द रूफ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बिल्कुल परफेक्ट ये लग रहा है। और अगर आप लोग इसकी क्लैरिटी देखना चाहें तो यू कैन सी द रियल ग्लॉसी थिंग जिसमें आपको पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो ये तो मैंने एक बेसिकली ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाया, एक व्यू पॉइंट में अपनी छत के पास से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ऊपर से आप लोग इसका व्यू देख सकते हैं, इट लुक जस्ट अमेजिंग। और एक बहुत मैं कहूँगा बढ़िया लुक ये गाड़ी को दे रहा है। आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके गाइस, तो गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया क्या क्या काम गाड़ी में मैंने कराया। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो लाइट्स थी ये bangoo.com से मेरे को आई थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी गाड़ी के रियर व्यूइंग जो अपना बेसिकली कैमरा था वो ऑलरेडी लगा हुआ था तो मैंने नहीं लगवाया। जो फ्रंट वाला कैमरा था मैं चाहता तो लगवा सकता था फ्रंट में, लेकिन उसका एक्सेस की प्रॉब्लम हो रही थी। एक्सेस की प्रॉब्लम थी उसमें, वो व्यू उल्टा दिखाता था, व्यू उल्टा दिखाता तो लगाने का फायदा नहीं था। सेंसर्स मैंने लगा लिए इसी के साथ साथ में, जो बॉक्स था और जो बेसिकली आप लोगों ने स्क्रीन देखी है वो मैंने भैया से परचेज की है। इसके साथ साथ में जो आप लोगों ने वो पूरा सेटअप देखा वो आप डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने भैया से सब सामान खरीदना है, क्योंकि चाइना से जरूरी नहीं है सामान मंगाना, हमारे यहाँ पर भैया है जो आपको रीजनेबल प्राइसेस में दे देंगे। तो भैया जो रियर व्यूइंग कैमराज है वो कितने प्राइसिंग से स्टार्ट है पूरी किट? कैमरा है वो आपका स्टार्ट हो जाता है 1800 विद स्क्रीन, विद स्क्रीन जो सेंसर्स हैं वो 1000 रुपीज़ स्टार्टिंग है। 1000 रुपीज़ तो अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे आपको महंगा पड़ने वाला है, लेकिन स्टिल प्रेफरेंस आप लोगों की इसी के साथ साथ में जो भैया रूफ की प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है? रूफ की ये अल्ट्रा ग्लॉस प्राइसिंग है जो आपकी गाड़ी में लगाई, बिल्कुल ये आप वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह से रूफ लग रही है सब। आपको क्वालिटी का इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग 3M से कराते हैं कहीं और से कराते हैं तो आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल पता चलेगा। 3M में यही चीज गाइस ट्रस्ट में 5000 रुपए तक में आपकी एक कॉस्टिंग आती है। कितने की यहाँ पर हो सकती है? यहाँ पे 2200 की होगी जो आपकी। केवल रूफ करवाई है मैंने अभी, इसमें क्या बोलते हैं आपके स्पॉइलर और साइड वाली चीज इंक्लूड नहीं है। सो इस चीज को माइंड रेंज जो है वो 800 से हो जाती है, 800 रुपए से आप स्टार्टिंग इसको करा सकते हैं। इसी के साथ साथ में लेबर कॉस्ट बिल्कुल रीजनेबल रहेगी, काम के अकॉर्डिंग रहेगी। मेरे काम का जो लेबर का काम था भैया कितना अराउंड का हमें पड़ा था? 600 रुपीज़ मेरे को पड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा भैया की बहुत मेहनत लगी जिन्होंने गाड़ी का काम किया, लेकिन स्टिल मैं बहुत खुश होकर जा रहा हूँ। सो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है करोलबाग आने का तो कौन सी शॉप पे आना? कार स्टूडियो आना, नहीं तो अपना एक और शॉप है बालाजी कार एक्सेसरीज। एक जगह भैया मिलेंगे, एक जगह आपको अंकल मिल जाएंगे। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी भी पॉइंट में वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चैनल में इतना प्यार दिखाया मुसाफिर को जाके इंस्टाग्राम में लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811। फेसबुक में फॉलो करना है लिखिए मुसाफिर आकाश जोशी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।